दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं स्वाति आपका इंडिया की रसोई में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही हेल्दी बनाना शेक या बनाना स्मूदी बनाएंगे। बनाना स्मूदी बनाना बहुत ही इजी होता है और इसको बनने में मुश्किल से एक मिनट लगता है। आप बनाना शेक या बनाना स्मूदी ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या स्नैक्स पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपका मन करे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्मूदी बनाना शुरू करते हैं। बनाना स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले बनाना ले लें। ये फ्रोजन बनाना है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था। आप चाहें तो नॉर्मल बनाना भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा वाला केला ले रही हूँ, आप चाहें तो बड़ा वाला केला ले सकते हैं। ये छोटे केले हैं इसलिए मैं ये 3 केले ले रही हूँ। अब केले के छिलके को छीलकर जार में डाल देते हैं। इसको हाथ से ही 2 पीस करके डाल दें। जार में मैंने 3 केले डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही अगर ठंडा होगा तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। फ्रोजन बनाना डालने से एक एडवांटेज ये होता है कि जो बनाना स्मूदी होती है वो बहुत ही स्मूथ बनती है और थिक बनती है। अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास दूध, ये ठंडा दूध है, आप चाहे तो नॉर्मल भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें गरम दूध ना डालें। इसके अलावा 1 चम्मच शक्कर, आप चाहे तो 1 की जगह 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी हेल्दी बना रही हूँ इसलिए इसमें मैंने केवल 1 चम्मच शक्कर डाली है, बाकी हम इसमें शहद डालेंगे। तो अब डालते हैं 1 बड़ा चम्मच शहद और इसके साथ ही डालेंगे 1/2 कप क्रश की हुई बर्फ। बर्फ डालें तो क्रश करके ही डालें, वरना बर्फ ऊपर से भी डाल सकते हैं। अगर आप समूची बर्फ डाल देंगे तो जार खराब होने का डर रहता है। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए बनाना स्मूदी बनकर रेडी है, अब इसको सर्व करते हैं। तो अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर ले। ड्राई फ्रूट्स डालना या ना डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है। देखिए टेस्टी और हेल्दी बनाना स्मूदी बनकर रेडी है। आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाना स्मूदी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये स्मूदी कैसी लगी। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरह और भी फटाफट रेसिपीज आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.indiakirasoi.com को जरूर विजिट करें। आपने मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाला, आपका धन्यवाद।